हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो तीनों ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रा कैल्क और गूगल शीट को कंपेयर करेंगे। हम डेटा टैब में जाकर के कंपेयर करेंगे कि तीनों ही में ड्रॉप डाउन कैसे बनाई जाए, क्योंकि एक सवाल भी है स्टूडेंट का, तो उस सवाल के ऊपर भी हम ध्यान देंगे और समझेंगे कि ये डेटा टाइप में जाकर के तीनों ही में क्या क्या डिफरेंस होता है, तीनों ही में कैसे कैसे हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ पर लिब्रा ऑफिस कैल्क को ओपन किया है मैंने, और यहाँ से चले जाएंगे डेटा टाइप पर। अब ये सिलेक्शन में लिया है कि इतने दूर में ही हमें ड्रॉप डाउन बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैलिडिटी मिलता है, तो ये वैलिडिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी कि देखिए ये नई विंडो ओपन हो गई है। और ये एक्सेल का जो डेटा वैलिडेशन में जो विंडो ओपन होता है बिल्कुल वैसे ही ये भी है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर वैलिडिटी दिया गया है, वहाँ पे डेटा वैलिडेशन आता है। यहाँ पर जा करके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट, तो आप लिस्ट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट पे चले जाइए, और लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आप टाइप करते जाइए वो नाम, जैसे पहला नाम है राम, फिर एंटर किया फिर श्याम, फिर एंटर करते हैं फिर यहाँ पे लिखते हैं अगला नाम मनोज, इसी तरीके से और भी नाम हम एंटर करवाते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे गौरव कर देते हैं, ठीक है, जैसे अजीत कर देते हैं, ठीक है, जैसे सौम्या कर देते हैं, ये इस तरीके से हमने ये ड्रॉप डाउन बनाई है, ठीक है। एक और नाम लिख देते हैं यहाँ पे NWRAJ नीरज, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन बन जाएगी, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट एंट्री असेंडिंग, अगर इसमें भी टिक कर देते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं और कोई भी नाम टाइप करते हैं, लाइक आर टाइप करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इनवैलिड वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम ड्रॉप डाउन पे जाते हैं तो आपको ड्रॉप डाउन में वो रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं इतने एरिया में जितना तक आपने सेलेक्ट किया था। तो इस तरीके से इसमें बनता है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो ये एक्सेल है, देख सकते हैं एक्सेल ओपन है। अब यहाँ पर भी वो रेंज हम सेलेक्ट कर लेते हैं जिस रेंज में हमें डेटा वैलिडेशन यूज करना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया एरिया, और यहाँ से डेटा टैब पे जाएंगे, और जैसे ही डेटा टैब पे जाएंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा डेटा वैलिडेशन, ये दिख रहा है, वहां पर वैलिडिटी दिख रही थी, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन दिख रहा है। बस यहाँ पर चले जाइए और डेटा वैलिडेशन पे कर दीजिए क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी एनी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको सेटिंग में ही रहना है, और यहाँ दिखाई पड़ेगी एनी वैल्यू। एनी वैल्यू जैसे ही दिखाई पड़ेगी तो आपको इसको चेंज कर देना है लिस्ट में, और लिस्ट में चेंज करने के बाद यहाँ पर वो नाम कॉमा दे करके टाइप करना है। वहां पर आप एंटर करके टाइप कर रहे थे, यहाँ पर कॉमा दे करके टाइप करना है, ठीक है। तो ये नाम कुछ मैं लिख देता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से कॉमा दे दे करके मैं ये नाम टाइप करता जाता हूं, ठीक है। तो ये कुछ नाम हमने टाइप किया है, ठीक है। आप इसमें और भी नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको यहां से ओके करते हैं, तो जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहां पर एक एरो दिखाई पड़ेगी। अब ये सेलेक्टेड रेंज में आप यहां से चूज कर सकते हैं, लाइक यहां पे सूरज चूज कर लिया, यहां पर आएंगे तो यहां पे सौम्या चूज कर लिया, यहां पे फिर आते हैं तो फिर कुछ और राम चूज कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब ये सिलेक्टेड रेंज तक ही काम करेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं सिलेक्टेड रेंज के आगे जाता हूँ तो ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी, देख सकते हैं। यहाँ पर आए और फिर यहाँ पे कुछ और लगा लेते हैं, एक सेम नाम, और यहाँ पर आते हैं तो ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रही थी वो गायब हो चुकी है। तो ये एक्सेल में तरीका है, ठीक है। अब आते हैं गूगल शीट में, ठीक है। तो यहां से मैं गूगल शीट को ओपन कर लेता हूं। अब यहां पर भी लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहां से मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर बना देता हूं ताकि आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक 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 है। और ये आपका हेडर है, तो यानी कि टाइटल है, तो इसको भी मैं बॉर्डर में कर देता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस पार्ट को जैसे ही मैं सिलेक्शन में लेता हूं, और सिलेक्शन में लेने के बाद यहां डेटा टैब पे जाता हूं, तो यहां पर आपको मिलता है डेटा वैलिडेशन, सेम एक्सेल के जैसे डेटा वैलिडेशन यहां पर भी दिख रहा है। वहां पर वैलिडिटी दिख रही थी, लिब्रा ऑफिस कैल्क में वैलिडिटी दिख रही थी, यहां पर आपको डेटा वैलिडेशन दिख रहा है। बस डेटा वैलिडेशन पे कर दीजिए क्लिक। ये लिखा हुआ है लिस्ट फ्रॉम रेंज, ठीक है, दिख रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ आइटम। तो आप करना क्या चाहते हैं, रेंज से तो करना नहीं है हमें, आइटम ही बनाना है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम पर टिक करके, और यहाँ पर
कॉमा से सेपरेट करके नाम लिखते जाना है, ठीक है। तो चलिए कॉमा से सेपरेट करते हुए नाम लिखते हैं, राम, श्याम, राजू, अंजू, अभिषेक, कुछ इस तरीके से कॉमा देंगे, फिर यहां पे अगला नाम लिख देते हैं। तो ये हमने कुछ नाम टाइप कर दिए हैं और यहां से ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है। अब ओके प्रेस करने से हुआ क्या, यहां पर देखेंगे तो वही ड्रॉप डाउन बनी हुई है, लेकिन अब गूगल शीट का फायदा क्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं हटा देता हूं, अगर मैं यहां पे केवल आर टाइप करता हूं तो आर वाले नाम हाईलाइट हो जाते हैं अपने आप। इस तरह का सर्चेबल ड्रॉप डाउन अगर आपको एक्सेल में बनाना हो या लीब्रा कैल्क में बनाना हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर मैं श्याम टाइप करता हूं तो श्याम का एस जैसे ही लिखता हूं तो श्याम नीचे हाईलाइट होने लगता है, ठीक है। अगर मैं ए टाइप करता हूं तो ए वाले नाम हाईलाइट होने लगते हैं। ये फायदा है, आप अगर गूगल शीट में ड्रॉप डाउन बनाते हैं, गूगल शीट को यूज करते हैं, तो आप ज्यादा बेटर तरीके से इसको समझ पाएंगे और ज्यादा बेटर आपको कन्वीनियंस बहुत ज्यादा मिलेगी। आई होप कि बात समझ में आई होगी कि तीनों में डिफरेंस क्या है, और कंफ्यूजन जरूर क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।